जब 10th पास किया तो आइडिया नहीं था कि मैथ्स से इंजीनियर बन जाए। घर वालों ने मैथमेटिक्स दिला दिया। और 12वीं पास करने के बाद बहुत सारे स्ट्रीम थे, IIT, NIT, गवर्नमेंट के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, लेकिन ले दे के बड़ी मुश्किल से प्री इंजीनियरिंग टेस्ट निकला, 3000 रैंक आया और कॉलेज मिला ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, OPGIT, जिंदल का कॉलेज था। एक्चुअली मेरे को मेटलर्जी मिला था वहां पे, और घर वालों ने ये सोच के दिलाया था कि भैया बेटा मेटलर्जी ले लेगा, जिंदल खुद ही पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही कॉलेज है जिसमें मेटलर्जी डिपार्टमेंट, और उसी साल उसका उद्घाटन हुआ था 2009 पे। तो ये सोच के घर वालों ने दिलाया कि बेटा वहां से पढ़ लेगा तो मेटलर्जी इंजीनियर जिंदल ही जॉब दे देगा, लेकिन कायना तो कुछ और ही पसंद था। एक साल के बाद मेरा प्लान चेंज हुआ कि मुझे मेटलर्जी से नहीं करना है, मुझे सिविल से इंजीनियरिंग करना है। मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ा और मैं वापस आया भिलाई। एक्चुअली वो रायगढ़ जिंदल में है, यहाँ से करीब करीब 250-300 किलोमीटर दूर, मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर था, वहाँ हॉस्टल में रहते थे। यहाँ वापस आया तो वापस आने के बाद मैंने सिविल लिया सेकंड ईयर से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आसानी से कॉलेज चेंज हो गया और सब्जेक्ट ब्रांच चेंज हो गया। सेकंड ईयर से मैंने सिविल लिया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ले देके इंजीनियरिंग निकाला। एक्चुअली उस इंजीनियरिंग होता ही ऐसी यार, एक रात पढ़ो इंजीनियरिंग निकल जाती है। 40-50 नंबर, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था, 40-50 नंबर लाना बहुत आसान होता है वो एक दिन की स्टडी से। वो स्टडी करके हमने 4 साल पे इंजीनियरिंग क्लियर की। 4 साल के बाद उस पूरे इंजीनियरिंग में एक चीज मेरे जो अंदर क्लियर था वो था इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का मेरा जो लाइफ था, मैं अपने माइंड पे जो एक इमेज करता था अपनी पर्सनालिटी, अपनी सैलरी, अपना परफॉर्मेंस इस इंडस्ट्री के लिए, वो मेरे माइंड पे क्लियर था। जैसे ही लास्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हुआ, मेरे पिताजी पुलिस में थे और उनका अच्छा कांटेक्ट था इस एरिया पे जहां मैं रहता था, तो वहां पे उन्होंने बहुत बड़े बिल्डर के पास कॉल लगवा के मेरे को ज्वाइनिंग करवा दिया। पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, और तीसरे दिन मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि एक चीज मुझे समझ आ गई कि यदि अप्रोच से जॉब करोगे तो आप सैलरी की बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो तीसरे दिन मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि वहां पे टोटली लेबर वर्क था, टोटली फील्ड वर्क था, मेरे को इच्छा ही नहीं थी वो काम करने का, क्योंकि मेरे अंदर का जो सिविल इंजीनियर था वो साइट पे नहीं दिखता था। साइट पे लेबर संभालने को मैं सिविल इंजीनियर नहीं समझता। और 3 दिनों बाद मैंने जॉब छोड़ा। 19 रिज्यूमे मैंने प्रिंट आउट करवाया, सब में एक एक फोटो लगाया, पूरे के पूरे सेटअप बनाया, और पूरे 19 रिज्यूमो को ले जाके मैंने हर एक कंपनी पे, जितने भी मेरे नियरेस्ट, रायपुर हमारा कैपिटल है छत्तीसगढ़ का, रायपुर पे जितने बड़े बड़े कंपनीज है उन हर एक कंपनी में जाके उनके रिसेप्शन में रिज्यूमे छोड़ा, कई जगह तो इंटरव्यू भी दिलाया, हर जगह फेल हुए। और 19 रिज्यूमे मैं और मेरा फ्रेंड, वो दोनों साथ में थे, हम दोनों बाइक से निकलते थे, और उस दिन तो पूरे 19 रिज्यूम खत्म हो गए और शाम हो गया, हम वापस आ गए। एक जगह से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं, यही कि कल बताएंगे, सर को दे देंगे, सर नहीं है ऑफिस में, नहीं है HR टीम, नहीं है किसी ना किसी कारण से, लेकिन हम अपना काम 19 रिज्यूम छोड़ के आ गए। नेक्स्ट डे का प्लान करना था, तो शाम को बैठ के मैं और मेरा दोस्त तिवारी जी, हम दोनों ने प्लान किया यार अब हम ऑफिस ऑफिस नहीं जाएंगे, वहां कोई मिलता ही नहीं, ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट मिलता है, अब हम काम करते हैं, हम थोड़ा फील्ड चलते, मतलब हम शहर के अंदर ही घूमते, शहर के बाहर घूमते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जनरली शहर के बाहर होता है। शहर के बाहर घूमने गए और एक दो साइड पे गए, एक खान जी का साइट था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, बस स्टार्ट ही हुआ था, कुछ प्रोजेक्ट वहां पे पेंडिंग थे, कुछ प्रोजेक्ट हो रहे थे। हम लोग ना एक्चुअली दोस्त हैं तो एक एक करके जाते थे, तो इस बार तिवारी जी तुम्हारा यहाँ देंगे, जहां मैं देता था वहां तिवारी जी नहीं देते थे, नहीं तो पता चला दोनों में ही कॉम्पिटिशन हो गया। तो उस साइड पर तिवारी जी का दिया गया, तिवारी जी का वहीं इंटरव्यू हुआ, मैं बाहर बैठा था, और तिवारी जी का वहां पर सिलेक्शन हो गया। तिवारी जी की सैलरी थी उसमें एकदम बेसिक सैलरी बता रहा हूँ, 8,000 बस जॉब उनकी, 8,000 रुपए की सैलरी थी। और फिर वहां से निकले, तिवारी जी को बधाई दिया, जाके हम चाय नाश्ता किया, फिर आगे बढ़े कि मेरे को भी जॉब चाहिए था, मेरे दोस्त को मिल गया, मेरे को नहीं मिला। हम लोग और साइट ढूंढने लगे, कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा है, और हम आगे बढ़े सेज बाहर, रायपुर में एक जगह है सेज बाहर जहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे आगे बढ़े तो वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज का काम हो रहा था, बस फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट का मेन गेट बन रहा था उसका, ऑफिस के फाउंडेशन में काम हो चुका था, ग्राउंड बीम तक काम पहुंचा था। मैं वहां गया, वहां के सुपरवाइजर था, पूछा अभी यहाँ का इंजीनियर कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, मेरे को मिलना है। यहाँ पे भैया कोई भी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, मतलब अच्छी बात है सर, तो यहाँ पे क्या सिविल इंजीनियर की जरूरत है? तो उन्होंने अपने बॉस का कार्ड दिया मुझे और बोला कि हाँ ये बॉस से बात कर लो, वो बोल रहे थे कि उनको इंजीनियर की जरूरत है। मैंने साहब को फोन लगाया, और साहब को फोन लगाने से जो एक दिन पहले जितनी मेरे से गलतियां हुई थी उन गलतियों को मैंने वहां पे खत्म किया। वो गलती क्या कि हर एक कंपनी चाहता था कि उनको एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर मिले जिनको पहले से काम आता हो, और उन 19 कंपनी में जाके ये समझ आ गया था कि इंजीनियर को क्या क्या काम आना चाहिए। सर को फोन लगाया और सर को फोन उठाते ही कहा कि सर मैं आपके साइट पे आया हुआ हूँ, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, 2013 का पास आउट हूँ और पिछले 3 महीने से जॉब कर रहा हूँ, और पूरा का पूरा मुझे एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, ये सारे काम मुझे आते हैं, मुझे बिल बनाना भी आता है, तो क्या आपके यहाँ वैकेंसी है? उन्होंने कहा कि कल 11 बजे ऑफिस में आके मिलना। नेक्स्ट डे 11 बजे जाना था, नेक्स्ट डे की तैयारी किए, रिज्यूम अपडेट किए और जाके मिले, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, और उस कंपनी में मेरे को 12,000 रुपए की जॉब मिला, पहला जॉब मेरा करियर का 12,000 रुपए, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सैलरी 12,000 रुपए था, और 5 सालों पे मैंने उस एक बिल्डर के पास से डेवलप करते करते अपनी एनर्जी को एक पब्लिक सेक्टर PSU कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, हिंद एनर्जी कोल बेनिफिशरी लिमिटेड, जहां से मैंने लास्ट रिजाइनिंग की। हमारा काम था प्लांट्स बनाना, वहां पे उनको डेवलप करना, उनके
गवर्नमेंट से फंडिंग लेना, एस्टिमेशन बनाना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, ये सब हमारे काम होते हैं। 1 मार्च 2018 को मैंने रिजाइन किया, और उस रिजाइन के बाद मैंने वो रिजाइन करने के पीछे का रीजन था कि 5 साल में जितनी तेजी से मैं बढ़ा, क्योंकि मैं ऐसे कॉलेज से नहीं था यार जिसका कॉलेज का नाम सुनते ही कंपनी में को हायर कर ले। मैं ऐसा ब्रिलियंट इंजीनियर भी नहीं था कि मेरा सर्टिफिकेट, जो मेरे डिग्री 12th और 10th का सर्टिफिकेट देके कोई मुझे जॉब दे दे। बस एक चीज अच्छी थी मेरी, मेरा टेक्निकल स्किल, मेरे रिज्यूमे में टेक्निकल स्किल भर के लिखा होता था, और वो लिखा होता था जो उस इंजीनियर को चाहिए। मैं वो बिल्कुल भी नहीं लिखता था जो मुझे बताना है, मैं वो लिखता था जो उसको सुनना है, जो वो सुनना चाहता है, जो एक इंटरव्यूअर जिस काम के लिए, क्योंकि जॉब रोल तो देता है ना इंटरव्यूअर, हर एक जॉब पोस्ट पे उसका जॉब रोल होता है, बस उसी जॉब रोल को आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लो, देखो आपको जॉब मिल जाएगी। और यही सोच के साथ जब मैंने 2018 जनवरी पे हमारा इंटरव्यू चालू हुआ, हमने लोगों के लिए, हमने लोगों का इंटरव्यू लिया अपनी कंपनी अपॉइंट करने के लिए, तो 1.5 महीने तक कम से कम मेरा लगा, और 100-150 इंजीनियर का इंटरव्यू लेने के बाद ये फाइनल हुआ कि इंजीनियर आर नॉट डेवलपिंग देयर एनर्जी। वो क्या कर रहे हैं, कोई ऑटोकैड सीख ले रहा है, कोई स्टैट प्रो सीख ले रहा है, कोई साइट में जाकर जॉब कर ले रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन क्या आता है, कुछ नहीं, सिर्फ लेबर संभालना आता है। लेआउट जीवन पे कभी नहीं देखे, कभी उन्होंने बिलिंग की बात ही नहीं की, कभी प्लानिंग की बात ही नहीं की, क्वांटिटी सर्वे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एनालिसिस, प्लानिंग क्या होता है किसी को पता ही नहीं। सॉफ्टवेयर ऑटोकैड के अलावा उसको कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं पता। एक्सेल में, मतलब एक्सेल, पावर पॉइंट, सब कॉमन टूल्स है यार आपकी लाइफ को डेवलप करने के लिए। यदि आपके पास कॉमन टूल्स का एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली आप इस करियर को आगे नहीं बढ़ा सकते। और उस पूरे 1 महीने के इंटरव्यू, 1 से 1.5 महीने के इंटरव्यू पे ये फाइनल हुआ कि मुझे काम करना होगा, क्योंकि जिस तेजी से, जिस स्पीड से मैं आगे बढ़ा, मैं उसी स्पीड से लोगों को बढ़ाना चाहता हूँ। और जो एनर्जी मैंने उस 5 सालों पे सीखा, जिस लेवल तक मैं पहुंचा, मैं उस लेवल तक लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ। इसलिए सिविल गुरु जी का उद्घाटन हुआ 7 जून 2018 को। मार्च में रिजाइन किया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने लगे हमको सर्वे करने पे। अलग अलग कॉलेजेस में गए, रिक्वायरमेंट देखा, प्रॉब्लम चेक किए कि क्या प्रॉब्लम इंजीनियर्स को, किस कारण से वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो एक चीज समझ में आया कि कॉमन मेंटेलिटी, मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, करते नहीं है, सिर्फ चाहते हैं। और बी के बाद, डिग्री के बाद, डिप्लोमा के बाद, एमटेक के बाद, वो अपना 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गवर्नमेंट जॉब के लिए लगाते हैं, और उसमें से 98% पीपल फेल होते हैं। 98% पीपल, सिर्फ 2% लोगों का जॉब लगता है, और 98% अपने करियर को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। अब 5 साल बाद कोई बोला जाए कि यार तू जीरो से स्टार्ट कर, तो पॉसिबल ही नहीं हो कि वो अपना करियर स्टार्ट कर पाए। इसीलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके जो लॉसेस ईयर है उनको रिकवर करने के लिए, हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, और उसका एक सिंपल गोल, टू बिल्ड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स टू अचीव देयर गोल बाय हेल्पिंग ईच अदर। वो एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़े, एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़े। एक मर्सिडीज के कार में सारे सिस्टम इनबिल्ट होते हैं, हर एक तरीके की उसमें मशीन फिट की जाती है, तभी वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है, होता वो भी कार ही है। सेम उसी तरीके से एक नैनो के कार पे कम फीचर्स होते हैं, इसलिए वो कम रेट में बिकता है, कम स्पीड में चलता है, लेकिन मर्सिडीज में भर के फीचर्स होते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्पीड में चलता है। पिछले 2 सालों से हम काम कर रहे हैं, और लगभग 700 से ज्यादा इंजीनियर को हमने इस इंडस्ट्री पे डेवलप कराया है। पिछले 2 सालों से ऑफलाइन मॉडल था, बहुत ही कम इंजीनियर्स को हम हायर करते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे, और इस इंडस्ट्री का नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करते थे। और 83% सिविल इंजीनियर को हमने प्लेस कर दिया है, और 12% से ज्यादा सिविल इंजीनियर इस इंडस्ट्री में अपने खुद की कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं। 3 इडियट में एक स्टोरी बताया गया है कि जब हम फेल होते हैं तो हमें ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन जब दोस्त पास हो जाता है तो ज्यादा दुख होता है। उसी तरीके से जब दोस्त की जॉब छूटता है तो हमें लगता है मंदी है यार, रिसेशन है, दोनों आपस में बात करके कहानी खत्म कर देते हैं, लेकिन जब खुद को जॉब नहीं मिलता, जब खुद की जॉब चली जाती है, तो माइंड पे डिप्रेशन आ जाता है, और इस डिप्रेशन का शिकार होकर बहुत सारे लोग अपना करियर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ये सोच के कि कॉलोनी वाले क्या बोलेंगे, मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, इस बिल्डर छोटे वैसे कॉन्ट्रेक्टर के पास काम करता हूं, यार करियर स्टार्ट करना पड़ता है। बच्चा यदि ये सोच ले कि डायरेक्ट वो चलेगा ही, डायरेक्ट वो दौड़ेगा ही, तो जीवन भर कभी सक्सेसफुल नहीं होता। पहले वो पेट के बल चलता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर लोगों के सहारों से चलता है, फिर कहीं जाके दौड़ता है। पिछले 2 साल से हम कंटिन्यू सर्वे कर रहे हैं, 100 से ज्यादा कंपनीज को हमने ट्रेनिंग दी, 700 से ज्यादा इंजीनियर्स को हमने प्लेटफॉर्म पे दिया, 250 से ज्यादा कंपनीज हमारे कॉन्टेक्ट में जिसमें हम प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन सब कंपनीज और इन सारे कॉलेजेस में हमने जब सर्वे किया तो पता चला कि करीब 4,782 इंस्टीट्यूट है इस इंडिया पे, इसमें 21 IIT और 31 NIT हैं, और 4,730 प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां से डिग्री और डिप्लोमा होता है। इसमें टोटल 16 लाख इंजीनियर इनरोल करते हैं हर साल, जिसमें से 70% इंजीनियर पास आउट होते हैं हर साल, और 70% इंजीनियर में से 3 लाख प्लस इंजीनियर होते हैं जिनकी डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है सिविल इंजीनियरिंग से। एक साल पे इस ऑल ओवर इंडिया 3 लाख से ज्यादा सिविल इंजीनियर पास होते हैं। एक इकोनॉमिकल टाइम का सर्वे है कि 2019 में सिविल इंजीनियर्स के लिए 19,770 जॉब निकले थे, 19,770 जॉब गवर्नमेंट सेक्टर पे। बाकी क्या करेंगे, बाकी यार कॉर्पोरेट में आएंगे ना, प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। इंडिया का 7 से 8% GDP कंस्ट्रक्शन डिवीजन से चलता है, ऑल ओवर इंडिया
इंडिया का 12-13% इम्प्लॉयबिलिटी सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन कंज्यूम करता है। तो कितना बड़ा इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री पे लोग नहीं है जिनके पास टेक्निकल स्किल हो और जो कंपनी के अचीवमेंट लेवल पे पहुंचे। कंपनी का एक आदमी जीरो लेवल से स्टार्ट करता है और धीरे 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 कंपनी के अचीव लेवल तक पहुंचता है अपने टेक्निकल स्किल से। इस गवर्नमेंट जॉब के बाद जो 98% सिविल इंजीनियर है वो पूरे कंज्यूम होते हैं इस इंडस्ट्री पे। दैट्स कॉल्ड प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब अप्रोच में मिल तो जाता है यार, लेकिन तरक्की नहीं मिलता है अप्रोच। प्राइवेट जॉब लिंक से मिल जाता है, दोस्त के लिंक से मिल जाता है, लेकिन वहां से अचीवमेंट नहीं मिलता, क्योंकि आपने जुगाड़ से उस कंपनी पे गए हो। तो जुगाड़ से जाने वालों की सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो, सेल्फ डेजिग्नेशन कह सकते हो, वो बात नहीं कर पाते अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो कॉन्टेक्ट से आया ना, अप्रोच से आया। वो जिसके अप्रोच से आएगा वो हमेशा उसी को ही कांटेक्ट करते रहेगा, यार बात कर बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए। क्यों, क्या जरूरत है आपको बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए अप्रोच लगाने का? एक लंबा समय दो अपने कंपनी पे, एक लंबा समय देखो आप अपने आप डेवलप करोगे वहां। और इसी मिथ को, इसी प्रॉब्लम को छोड़ के इंडिया के 22 स्टेट से इंजीनियर सिविल गुरुजी पे आए हैं और 700 से ज्यादा सिविल इंजीनियर्स को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है और ऑल ओवर इंडिया उनको इस लेवल पे ट्रेन किया है कि दुनिया में कहीं भी जाए, किसी भी कंपनी में जाए, उनका सिलेक्शन होगा। और ये जो पावर है, ये जो कह सकते हो कि थीम है सिविल गुरुजी का कि 55% फीस आफ्टर प्लेसमेंट, वो इसीलिए है ताकि वो जाके इस इंडस्ट्री पे जॉब कर सके और आसानी से अपने पॉकेट से, अपनी अर्निंग सैलरी से वो फीस पे कर। दोस्तों इंडिया में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेता है, बस हमें जो मालूम नहीं होता वो कैसे रिक्रूटमेंट लेता है। उसी चीज को सिविल गुरुजी ने थोड़ा इजी बनाया, एक अलग पहलू से लोगों तक पहुंचा रहा है। और जितने इंजीनियर सिविल गुरुजी की बात मानते हैं वो 1% भी, हम उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं जो इंजीनियर्स प्लेस नहीं हो रहे हैं, वो उनके पेरेंट्स से बात करके पता चलता है कि बेटा ये तो 12 बजे उठता है, 4 बजे तक गेम खेलता है, शाम को 4 बजे के बाद घूमने निकलता है और कंपनी के लिए अप्लाई नहीं करता। वो ये सोचे घर में बैठा है कि कंपनी उसके पास आएगी, वो ये सोचे घर में बैठा है कि सिविल गुरुजी उसके लिए वैकेंसी क्रिएट करके लाएगा जिसमें वो डायरेक्ट जाके जॉब करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो फ्यू चंद इंजीनियर, 4-5% इंजीनियर ऐसे हैं जो अभी भी घर पे आराम कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे पहले बैच से लेके 20 बैच तक के भी ऐसे बहुत सारे इंजीनियर हैं जो घर पे इंतजार कर रहे हैं कि सिविल गुरुजी उनके लिए वैकेंसी खोज के लाएगा और उनको जॉब मिलेगा। दोस्तों वैकेंसी इस इंडस्ट्री पे भर के पड़ी है। बेरोजगार वो है जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकला। बेरोजगार से पूछो क्या उसने अपनी दुनिया के सारे सिविल इंजीनियरिंग कंपनी पे अप्लाई कर दिया है? क्या उसने वही अप्लाई किया है जैसा उस कंपनी को चाहिए? एक साले डुप्लीकेट रिज्यूम बनाते हैं, दोस्त से मांग के और उसको अप्लाई करते रहते हैं हर एक कंपनी पे, हर एक कंपनी पे यार, हर एक कंपनी पे एक सिंगल टाइप का रिज्यूम है। क्यों? सब कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग है, सब कंपनी का जॉब रोल अलग है, सब कंपनी का नीड अलग है, सब कंपनी को उसके हिसाब से भेजो ना जिसको वो चाहिए। आप अपने ऊपर मेहनत करोगे नहीं और बोलोगे कंपनी से जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत गलत बात है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप आसानी से जॉब पा सकते हो। इस मंदी में सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का। इस मंदी पे इस कोरोना इफेक्ट के कारण बहुत सारे इंजीनियर अपने घर वापस जा चुके हैं और कंपनी का काम चालू हो चुका है। अब वो इंजीनियर अपने स्टेट से निकल के उस कंपनी तक नहीं आ पा रहे और कंपनी में वैकेंसी खाली है। आप अपने नियरेस्ट में जाके कंपनी से पता कीजिए, देखो आपको जॉब मिलेगा। और जॉब हर एक स्किल सेट का, मैं 5 स्किल सेट की आपसे बात करता हूं कि 5 स्किल सेट में 5 पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए साइट एग्जीक्यूशन वर्क आना चाहिए, एस्टिमेशन आना चाहिए, बीबीएस आना चाहिए, क्वांटिटी सर्वे आना चाहिए और ड्रॉइंग रीडिंग आना चाहिए। बस आप इतना ही चीज सीख जाओ, देखो आपको एक साइट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का जॉब मिल जाए। आप उस जॉब में जाके थोड़ा काम फील्ड से सीखो और काम फिर टेक्निकल सीखो, आप उसमें बढ़ाओ अपना, अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल बढ़ाओ, गवर्नमेंट के नॉर्म्स सीखो कि किस डिवीजन में आप काम करो, गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, रेट एनालिसिस सीखो क्योंकि लेबर को रेट देना है, वो सीखो, देखो आपको प्रमोशन होगा एज आप सीनियर इंजीनियर बन चुके। उसके ऊपर क्वांटिटी सर्वेयर आने के लिए आपको पूरा सीनियर इंजीनियर का काम आना चाहिए, टेंडरिंग वर्क आना चाहिए, बिल्डिंग बाय लॉज आना चाहिए, डीलिंग विद क्लाइंट आना चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी आपको डेवलप करना होगा एज अ क्वांटिटी सर्वेयर। उससे और ऊपर जाना है एज अ बिलिंग इंजीनियर आपको बनना है कि ज्यादा आपकी इनकम होना चाहिए, कम समय पे ज्यादा इनकम का सबसे अच्छा पोस्ट है बिलिंग इंजीनियर। क्वांटिटी सर्वेयर वर्क आना चाहिए आपको पूरा का पूरा, आपको हर एक टाइप का मोड ऑफ मेजरमेंट, पूरा गवर्नमेंट के नाम, सीपीडब्ल्यूडी का बिल नॉर्म्स आना चाहिए, हर टाइप का मेजरमेंट बुक भरने आना चाहिए, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे वो किसी भी टाइप का लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, सबका बिल आपको बनाने आना चाहिए। इसके ऊपर और अपन आगे जाते हैं तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब रोल है, प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब रोल आपको आना चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब रोल के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है एज ऑफ एक्सपीरियंस। यदि आपके पास एज ऑफ एक्सपीरियंस है आप डेफिनेटली बहुत आसानी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम पे आगे बढ़ सकते हो और आपको आपका कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा आपके अचीवमेंट के लिए। यदि आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो कोई आपको धक्का देने वाला नहीं है। आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कोई भी आपको धक्का देने वाला नहीं है, आप अपने घर से बाहर निकलोगे। प्रैक्टिकल स्किल सेट जो आपको आना चाहिए, एस्टिमेशन, रेट एनालिसिस, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, बार बार नहीं, एकदम बेसिक से चीज बता रहा हूं यार, ये आपको आना ही चाहिए, इसके बिना आपकी तरक्की नहीं हो सकती। इस दुनिया पे ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो बिना सिखाए सीख सके, एक भी इंसान नहीं। एकलव्य ने भी अपने गुरु का मूर्ति रखा सामने और सीखा, क्यों? क्योंकि गुरु उसने बनाया। एक गुरु मानना ही पड़ेगा। आप यदि हिंदी बोलने वाले हो तो इसलिए आप हिंदी बोलना आपको अच्छे से आता है क्योंकि आपके पेरेंट्स हिंदी बोलते। आपको तमिल नहीं
नहीं आता क्योंकि आपने कभी तमिल सुना नहीं। तमिल एरिया में पैदा होने वाला बच्चा तमिल आसानी से बोल लेता है क्योंकि उसने बचपन से तमिल सीखा है। इंग्लिश एरिया में पैदा होने वाला इंग्लिश अच्छे से बोल लेता है क्योंकि वो बचपन से इंग्लिश सीखा है। सेम उसी तरीके से आपको सिविल इंजीनियरिंग सुननी होगी उनसे जिनको सिविल इंजीनियरिंग आता हो, उनसे बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग को एक कहानी बना रखी। सिविल इंजीनियरिंग जिनको आता हो, जो गोवा घूम के आया है, उसी से तो पूछोगे ना आप गोवा कैसे घूमना है, गोवा में घूमना कहाँ है जाके। बेसिक सा फंडा यार, आपको यदि 100 किलोमीटर दूर आपका घर है और आपको रास्ता पता है तो आप डायरेक्ट 100 किलोमीटर एक सिंगल डायरेक्शन में चलते जाओगे। और 100 किलोमीटर दूर आपका घर है और आपको रास्ता पता नहीं, तो ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 100 ही किलोमीटर ट्रैवल करके, हो सकता है कि आप 1,00,000 किलोमीटर ट्रैवल कर लो फिर भी आपको आपका घर न मिले क्योंकि आपको रास्ता नहीं मालूम। इसी तरीके से सेट योर गोल और उस गोल को पाने का रास्ता फाइंड आउट करो एज अ सिविल इंजीनियर। जब वो क्वालिटी आती है ना तभी मजा आता है काम करने में, और जब तक वो क्वालिटी नहीं आई ना तब तक मजा नहीं आता काम करने। दोस्तों मैं आपको सारी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आप अपने अंदर टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, और जब तक इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा तब तक किसी भी चीजों में इंप्रूवमेंट नहीं होता। और इन तीनों चीजों के निचोड़ से ही रिजल्ट आता है कि आपके पास अब आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ चुका हो कि हाँ अब मुझे कभी भी जब मैं चाहूं तब मुझे जॉब मिल जाएगा, जिस सैलरी पैकेज में चाहूं सैलरी पैकेज में जॉब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब हाई स्किल आ चुका है। क्योंकि जब मैं जॉब छोड़ रहा था तब लोगों ने बहुत समझाया मुझे, बहुत अच्छे अच्छे राय दिए इस कायनात के वो चार लोगों ने कि अबे तू पागल है, जॉब छोड़ देगा, जॉब नहीं मिलेगा, लोगों को जॉब नहीं मिलता, इतनी अच्छी जॉब मिली है, लकी है तो तेरे को जॉब मिल गया। एक समय पे मेरे माइंड पे भी आया था यार हो सकता है कि मेरे को लकीली जॉब मिला हो, मेरे पास काबिलियत नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस मैंने इंटरव्यू दिलाया और जब मेरे को सेम सैलरी पैकेज में जॉब मिलने लगे तो मुझे समझ आया कि अब मेरी क्वालिटी बन चुकी है, अब मेरी औकात हो चुकी है। और यदि मैं लोगों को नहीं समझा पाया, लोगों को नहीं सिखा पाया और इस सिस्टम को मैं बदलने में बिल्कुल भी असक्षम रहा तो मैं फिर से जॉब चालू कर लूंगा। और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि पिछले 2 साल में हमने इस सिस्टम को बहुत डेवलप किया है और बहुत सारे लोगों को हमने उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हेल्प किया है। और जब लोग उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो सारे सिविल इंजीनियर जो एक अंदर से ब्लेस देते हैं सारे गुरुजी को और गुरुजी उनके लिए जान लगाते हैं, हमारे सारे गुरुजी इस लेवल पे काम करते हैं आपको उस लेवल तक का एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ताकि आपको वो नॉलेज मिले, वो डेवलपमेंट मिले कि आप हकदार हैं। जीरो से आपको कुछ नहीं आता वहां से हम सिखाना चालू करते हैं। आप घर पे बैठे हो, समय वेस्ट ना करो, सीखो कुछ चीज। उम्मीद करता हूं कि आप अपने लेवल पर डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, आप अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पैदा हुए हो और यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो बेकार से सिविल इंजीनियर होकर मरने से अच्छा है डेवलप योर स्किल। थैंक यू सो मच, और उसी जोश उसी जुनून के साथ अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ।